हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। और इस हफ्ते की वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की वीडियो में मैं आपको एक स्टॉक ऐसे बताने वाला हूँ जो कि 80% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है ये स्टॉक, और उसके जो लाइफ टाइम्स हाई है वहां से 80% नीचे आ गया था ये स्टॉक, और वहां से अब ये धीरे धीरे अपना बेस बना के ऊपर की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो मेरा लास्ट वीडियो है वो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड का, और वो स्टॉक एक अच्छा खासा अपमूव के लिए रेडी है। आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स देख सकते हो, और काफी मल्टीबैगर स्टॉक्स के मैंने वीडियो बना के रखे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो मेरा होने वाला है सेंचुरी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज पे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सेंचुरी टेक्सटाइल्स लिमिटेड ये एक आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है, और यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट निकाला हुआ है। अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ये वीकली चार्ट निकाला है, और वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे इसने जो लाइफ टाइम हाई लगाया था, देखिए यहाँ पे ये लाइफ टाइम हाई लगाया था इसने जनवरी 2018 में, यानी कि आज से करीब करीब 2.5 साल पहले इसने हाई लगाया था 1471 का। ठीक है, वहां से इस स्टॉक ने एक डाउनसाइड मूवमेंट दी थी, और अक्टूबर 19 में इसने देखिए यहाँ पे ये कंपनी अलग हुई थी। ठीक है, ये कंपनी अलग हुई थी, उनका एक कंपनी अलग इसमें चली गई थी अल्ट्राटेक में, और ये कंपनी अपना अलग हुई थी। तो इसके कल चलते इनका जो भाव था वो 930 से लेके देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कम हो गया था, 380 तक का वैल्यू आ गया था। तो इसके लिए इसमें एक डाउनसाइड आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कंपनी अलग हुई है, कंपनी में कोई नेगेटिव फैक्ट्स नहीं है एज सच। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखो देख रहे हो, यहाँ पे देखिए इसका चार्ट देखिए 1997 से, तो ये जो पहला हाई लगाया था इसने जनवरी 2008 में लगाया था, वो जो कि था 1174 का। देखिए 1174 का जो हाई लगाया था, 1174 का, उसके बाद ये स्टॉक ने देखिए यहाँ पे लो लगाया था 140, 130 का, इवन 120 का लो लगाया देखिए यहाँ पे। तो उसके बाद वापस देखिए धीरे धीरे करके आने वाले 10 सालों में 120 का आपको 1470 तक लेके गया था, यानी कि 2008 से लेके 2018 तक 10 सालों में आपको 120 रुपीज का स्टॉक आपको 1400 तक लेके जा रहा है, यानी कि आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स। तो 2018 के बाद ये एक अच्छा खासा मौका है, जिसने यहाँ पे बाय किया है उसको आप आने वाले कुछ सालों में आप समझ सकते हो कि आपको इसके ऊपर का भी रेट आपको दिखाई दे सकता है। तो मैं नहीं बोलता कि इतना रेट आएगा, बट आप जो हम लोग आ सकता है उसका तो हम लोग देख सकते हैं। स्टॉक पे जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी के लिए, जो टेक्निकल ब्रेकआउट जो यहाँ पे आपको इंट्राडे में दिखाई देगा, ये मैंने वीकली चार्ट निकाला है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे, यहाँ पे देखिए इसने डेली चार्ट पे 320 और 330 के लेवल्स पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इसने 387 का हाई लगाया था। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मैं वीकली वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे आप वीकली वीडियोज है मेरे, वो भी देख सकते हो, उसमें मैंने सारी डिटेल्स सेंचुरी टेक्सटाइल्स की दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए वीकली वीडियो में मैंने जैसे बताया था इसमें ब्रेकआउट आ गया था, और यहाँ पे इसने 376 का आज क्लोज दिया है। तो आने वाले टाइम में इसमें जो आपको अपसाइड दिखाई देती है यहाँ पे, मुझे आने वाले शॉर्ट टर्म पीरियड में, अगर आप साल 2 साल तक का अगर आप टाइम ड्यूरेशन लेके चल रहे हो, तो आपको 510 और 20 तक के लेवल्स इसमें दिखाई देंगे। अगर ये 550 के ऊपर चलना शुरू करता है तो इसमें 650 और ऊपर की तरफ, 650 एक बार क्रॉस होने के बाद आपको 900 तक के लेवल्स इसमें लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई देते हैं। तो मेरा जो नज़रिया है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का अगर आप देख रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म का देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस तो आपको एनीवेज रखना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, इसमें बिना स्टॉप लॉस के आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है। तो विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड मत लीजिएगा। स्टॉप लॉस मेरा फिलहाल के लिए होगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए 320 का है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए 200 का। आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, यहाँ से 150 रुपये का स्टॉप लॉस है, बट आप ये लॉन्ग टर्म के लिए
ये बेस्ट है क्योंकि 200 के नीचे ये स्टॉक जाएगा नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे अपसाइड बहुत ज्यादा मिल रही है। अगर आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे जैसे इसने फर्स्ट टाइम देखिए ऊपर जाके जो नीचे आया था, देखिए 120 का लो लगाया था, देख रहे हो आप 120 का लो लगा के फिर धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में इसने 1470 का लो हाई लगाया, तो आप समझ सकते हो कि 1300 पॉइंट्स की मूवमेंट 7 ईयर्स और 8 ईयर्स में वाकई काबिले तारीफ है। और जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फॉल आया था, सेम फॉल यहाँ पे आया है, और ये एक अच्छा मौका है, जब ये अप ट्रेंड में आने वाला है तो इसको हमने पकड़ लेना चाहिए, इसको ग्रैप करना चाहिए। तो ये एक अच्छा मौका है सेंचुरी टेक्सटाइल्स में, आप मल्टी ईयर के लिए ब्रेकआउट जैसे दिख रहा है आपको, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें व्यू लेके चल सकते हो। 900 तक के टारगेट्स आपको इनिशियली दिखाई देंगे, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उनके लिए 500 के लेवल्स तो मैं नहीं दूंगा, जो शॉर्ट टर्म है उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बट अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हो, उसको 5 से 10 साल का व्यू लेके चल रहे हो, तो आपको 900 और ये 4 फिगर्स मिनिमम ये स्टॉक आपको होते हुए दिखेगा। तो ये मेरा टेक्निकल व्यू है इस स्टॉक पे। तो मेजर ब्रेकआउट आपको 650 के ऊपर ही इसमें दिखाई देगा, जो सीधा आपको 900 और 1000 तक के लेवल इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं एक इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है ये ज्यादातर आदित्य बिरला सन लाइफ, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जो अपने प्रमोटर्स है उन्हीं के जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने इसमें स्टेक होल्ड किया हुआ है। प्रमोटर्स देखिए कॉन्स्टेंटली इसमें ड्रॉप कुछ भी नहीं है, तो जो है उतना ही प्रमोटर्स रखे हुए हैं, इसमें से कम नहीं हुआ है, तो ये एक प्लस साइन है। देखिए सबसे मेन बात, प्लेज शेयर्स 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है। और सबसे खास बात इस कंपनी की अगर आप देखोगे, सबसे खास बात मुझे जो अच्छी लगी है, ये जो FII का पैसा है, देखिए यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसमें, देखिए 19 मार्च में देखिए क्वार्टरली बेसिस पे दिखाई दे रही है आपको, क्वार्टरली बेसिस पे देखिए 9.6 थी, जून 2019 में देखिए कम हुई 8.92, मार्च 2020 में देखिए 12.26, और देखिए जून में ये बढ़ रही है, यानी कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रडार पे ये कंपनी है। और अगर आपको पैसा कमाना है तो ऐसे ही कंपनी में आपका पैसा बनेगा, और पैसा बनने से ज़्यादा आपकी वेल्थ बनेगी, जो लॉन्ग टर्म हम बोलते हैं ना, मैंने ये हमारा एम्पायर खड़ा किया है, तो ये एम्पायर बिल्डिंग स्टॉक है। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको पेशेंस भी रखना है, और ये स्टॉक जरूरी आपको डिलीवर करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट था जो मेरे नज़र में आया था। देखिए यहाँ पे DII जरूर कम होल्डिंग कर रहा है, बट ये DII का डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, तो मेन बात जो है ये FYI जो है वो मेन बाइंग कर रहे हैं, और इनका अगर इस स्टॉक पे इनकी नज़र है तो हमें भी अपनी नज़र इस स्टॉक पे बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा मेन पॉइंट था आज का। इनका रिजल्ट्स तो कुछ खास नहीं आया था, इस साल का जो रिजल्ट था वो कुछ खास नहीं था, ठीक है। डिविडेंड भी देखिए ये दे रहा है, अगस्त 14 को इन्होंने डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इनकी बैलेंस शीट देखिए 2017 में, देखिए शेयर ऑफ कैपिटल देखिए यहाँ पे, रिजर्व्स और सरप्लस देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 2370 है, फिर 26 हुआ, फिर 31 हुआ, ये अब 33 हो रहा है। लाइबिलिटीज देखिए यहाँ पे 4000 थी, फिर 4400 थी, फिर 4000 हुई, फिर 1200 हुई, अब ये 1800 हुई है। ये तो थोड़ा सा ये जो ईयर है इसमें आपको रिजल्ट्स बहुत ही खास नहीं, मैं अच्छा नहीं बोलूँगा कि वो अच्छे नहीं है रिजल्ट्स ये साल के किसी भी कंपनी के, सिवाय रिलायंस के, क्योंकि वो एक कंपनी अलग ही जोन में है। तो फिर ये स्टॉक्स जो है आपको आने वाला जो 2021 है उसके बाद से जो रिजल्ट्स आएंगे उस कंपनी का एक नॉर्मल आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, आप रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको सीधे अब ले चलूँगा इन कंपनी के जो मेन वेबसाइट है उस पे, तो अगर आपको इसमें कोई भी जो उसके रिजल्ट्स है आप इधर भी देख सकते हो, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे भी इन लोग अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। तो आपको एक कंपनी का एक जो डिटेल जो है, जैसे आपको बता दूं कि ओवरव्यू बता दूं, कंपनी कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये एक सिंगल यूनिट टेक्सटाइल एंटिटी थी इन 1897, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है,
हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कमर्शियल पावर हाउस विद इंटरेस्ट एंड डाइवर्स इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे इन्होंने चालू किया था एज अ टेक्सटाइल कंपनी, बट बाद में उन्होंने एक अलग अलग इंडस्ट्रीज में एंटर करना चालू कर दिया है। करेंटली द बिजनेस हाउस इज ट्रेंड सेटर इन कॉटन टेक्सटाइल एंड ऑल्सो रिमार्केबल प्रेजेंस इन पल्प एंड पेपर रियल इस्टेट सेक्टर्स। देखिए यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में भी प्रवेश किया हुआ है। तो इनका मिशंस, इनके गोल्स, वैल्यू, विजन सब दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर आप देखते हो यहाँ पे इसमें माइलस्टोन्स भी दिए हैं कौन से साल में इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसका सारा आप देख सकते हो। इस कंपनी का बिजनेसेस देख सकते हो यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसके बिजनेसेस दिए हुए हैं, बिरला इस्टेट्स है, देखिए यहाँ पे बिरला सेंचुरी है, देखिए सेंचुरी पल्प एंड पेपर है। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं इनके ऑलरेडी, ठीक है। और इन्वेस्टर्स भी है, देखिए इसमें आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सब आपको इसकी डिटेल्स इस कंपनी की मिलेगी आपको। और कंपनी के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे आके आप देख सकते हो। मैं आप इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। इनका मेन ऑफिस देखिए यहाँ पे एनी बेसेंट रोड वर्ली मुंबई से है, और यहाँ पे इनका मेन ऑफिस है, ठीक है। तो बिरला इस्टेट्स का देखिए यहाँ पे वहीं पे बिरला अरोरा लेवल 8 पे है वर्ली पे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉक है जो कि बिरला ग्रुप से बिलोंग करता है, और आपको आने वाले टाइम में ये एक मल्टीबैगर बन सकता है, बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दे सकता है। मैंने जैसे आपको बताया है इन लेवल्स पे आके भी देखिए यहाँ पे 8 से 10 सालों में इसने ऑलमोस्ट लाइक 1000 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। ये तो इससे बढ़िया और कोई स्टॉक हो नहीं सकता। आपको ये स्टॉक, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मेरी लास्ट भी वीडियोस जो भी आपने नहीं देखी होगी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं वीकली रिव्यू भी देते रहता हूँ, हर वीक में कौन सा स्टॉक क्या परफॉर्म कर सकता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट मैं हर वीक में संडे को सुबह 11 बजे वीडियो डालता हूँ। और बाकी के मल्टीबैगर्स जो स्टॉक है वो जो मल्टीबैगर्स का मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और हम लोग आगे वाली वीडियो में मिलते हैं। मैं बहुत ही अच्छा स्टॉक आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। देखिए मैं ऐसी जो ब्रेकआउट्स है जो काफ़ी चीप लेवल पे मिल रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट निकल के आ रहे हैं फंडामेंटल या टेक्निकल जो भी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं शेयर भी कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही स्टॉक्स देखते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया देखने के लिए, और कीप वॉचिंग आइडियोलॉजी ट्रेडर।